हेलो कृष्ण भाइयों, इस वीडियो में बात करेंगे किटाजिन सिस्टेमिक फंगिसाइड का बारे में। इसका फसलों में क्या काम करता है, कौन कौन सा बीमारी को आप नियंत्रण कर सकता है किटाजिन स्प्रे करके, इसका डोज फसलों में कितना स्प्रे करना पड़ता है और उसके साथ दूसरा कोई फंगिसाइड एक साथ मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते, कब फसलों में स्प्रे करना है किटाजिन जो फंगिसाइड है इसके बारे में लगभग ए टू जेड बात करेंगे किटाजिन के बारे में। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। किटाजिन जो सिस्टमिक फंगिसाइड है इसमें रहता है जैसे 48% इसी फॉर्म में जो केमिकल कंपोजिशन रहता है जो बेहतरीन काम करता है कोई भी सब्जियों का खेती बाड़ी में जो बीमारी आती है उसको नियंत्रण करने के लिए। आई बात करेंगे कौन कौन सा फसल आप किटाजिन स्प्रे कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे मिर्च का फसलों में, बैंगन का फसलों में, लोबिया का फसलों में, कोदू लौकी का फसलों में, इसके अलावा जैसे केरला खीरा का फसलों में, प्याज का लहसुन का फसलों में, जैसे आप सब्जियों का कोई भी खेती बाड़ी में आप स्प्रे कर सकते हैं किटाजिन, बेहतरीन रिजल्ट भी मिलता है, काम भी बहुत अच्छा करता है। जैसे आप बरसात का सीजन में क्या होता है, जैसे कौन सा कीटनाशक कौन सा फंगिसाइड बेस्ट आपको परेशान हो जाता है बरसात का सीजन में, जैसे आप किटाजिन फंगिसाइड यूज़ कर सकते हैं मिर्च का फसलों में, कोई भी सब्जियों का खेती बाड़ी में बरसात का सीजन में जैसे किटाजिन फंगिसाइड बेस्ट है स्प्रे करने के लिए बीमारी नियंत्रण करने के लिए। कृष्ण भाई आज बात करेंगे किटाजिन स्प्रे करके कौन कौन सा बीमारी का आप नियंत्रण कर सकते हैं इसके बारे में, जैसे बैक्टीरियल विल्ट, फुसारियम विल्ट, वायरस जो बीमारी आता है आपको कोई भी सब्जियों का खेती बाड़ी में, इसको आप नियंत्रण कर सकते हैं किटाजिन फंगिसाइड स्प्रे करके। क्या होता है जैसे फुसारियम विल्ट में और वायरस विल्ट का वजह से आपको कोई भी पौधों का जैसे सडनली स्ट्रोक हो जाता है रूट में, जैसे आपका पौधों का जोरों में प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है, उसको आप नियंत्रण कर सकते हैं किटाजिन स्प्रे करके। जैसे आपका कोई भी सब्जियों का खेती बाड़ी में कोई भी पौधों जैसे गिर जाता है सडनली, कद्दू लौकी खीरा का फसलों का जैसे कोई भी पौधों गिर जाता है स्टॉक करके, इसको आप नियंत्रण कर सकते हैं किटाजिन स्प्रे करके। उसके साथ दूसरा कोई भी फंगिसाइड एक साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं पौधों का रूट में अच्छे से स्प्रे करना। आप कोई भी विल्ट जो होता है बीमारी नियंत्रण करने के लिए रूट में अच्छे से स्प्रे करना, आप मिक्स करके कोई दूसरा कोई फंगिसाइड कार्बन डाइऑक्साइड इसका प्रोफिनेब एक साथ मिक्स करके आप स्प्रे कर सकते हैं किटाजिन के साथ, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। कृष्ण भाई जब आप मिर्च का खेती बाड़ी में क्या होता है, जैसे मिर्च का खेती बाड़ी में मिर्च का फसल आने के बाद मिर्च का पौधों का पत्ता गिर जाता है, पत्ता गिरने वाला जो बीमारी आता है मिर्च का खेती बाड़ी में, इसको आप नियंत्रण कर सकते हैं किटाजिन स्प्रे करने। किटाजिन क्या करना है, आप अच्छा से स्प्रे करना का पौधों में, इसके बाद जैसे पौधों का पत्ता गिर जाता है गिर जाना रुक सकता है किटाजिन स्प्रे करके। उसका डोज इस टाइम में आप कितना देना, इस टाइम में उसका डोज आप लगभग 100 ml 50 से 60 लीटर वाटर में स्प्रे करना है। 50 से 60 लीटर वाटर में स्प्रे करने के बाद बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है, मिर्च का जो पौधों का पत्ता गिर जाता है उसका आप नियंत्रण कर सकता है। कृष्ण भाई जैसे लौकी कद्दू इसके अलावा जैसे खीरा केरला का फसलों में क्या होता है, कोई भी सब्जियों का खेती बाड़ी में जैसे आपका फसल आने के बाद जैसे बीमारी आ जाता है आपका फसल सब्जियों का खेती बाड़ी में ज़्यादा बीमारी आता है, जैसे विल्ट आता है, वायरस आता है जो बीमारी आता है, उसके लिए आप किटाजिन स्प्रे कर सकते हैं। लेकिन किटाजिन कहाँ स्प्रे करना है इसका जानने का ज़रूरत है। किटाजिन आप रूट में अच्छे से स्प्रे करना है, रूट में अच्छे से स्प्रे करने के बाद जो बीमारी आता है आप नियंत्रण कर सकते हैं। जैसे आप इसके साथ दूसरा कोई भी फंगिसाइड एक साथ मिक्स करके भी हेक्साकोनाजोल, प्रोपिनेप, कार्बन डाइऑक्साइड, मेनकोजेब एक साथ भी मिक्स करके स्प्रे कर सकते हैं किटाजिन के साथ, रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है। किसान भाइयों जैसे बरसात का जैसे बारिश का सीजन में क्या होता है, जैसे बीमारी आता है कोई भी सब्जियों का, जैसे वायरस विल्ट, फुसारियम विल्ट, इसके अलावा जैसे बैक्टीरियल विल्ट जो बीमारी आता है बरसात के सीज़न में, इसी टाइम क्या करना है, इसी टाइम जो आप किटाजिन जो फंगिसाइड है सिस्टमिक फंगिसाइड है स्प्रे कर सकते हैं आपका बरसात का सीजन में आपका कोई भी सब्जियों का खेती बाड़ी में, क्या होता है बेहतर रिजल्ट भी बहुत अच्छा मिलता है, काम भी बहुत अच्छा करता है। इसके साथ आप दूसरा कोई भी फंगिसाइड एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं बरसात का सीजन में, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका रिजल्ट बहुत अच्छा काम करता है स्प्रे करने के बाद कोई भी विल्ट का नियंत्रण करने के लिए। आइए बात करेंगे किटाजिन जो सिस्टमिक फंगिसाइड है
इसका डोज का बारे में, उसका डोज कितना फसल में स्प्रे करना है इसका बारे में। जैसे उसका डोज लगभग 100 मतलब 50 से 60 लीटर पानियों में घुलकर स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, इससे ज़्यादा नहीं करना है। इसके साथ दूसरा कोई भी फंगिसाइड एक साथ मिक्स करके भी स्प्रे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, रिजल्ट भी बहुत तुरंत मिलता है स्प्रे करने के बाद। उसके स्प्रे करने के बाद लगभग 10 डेज के अंदर उसका रिजल्ट भी मिल जाता है। किसान भाइयों आए बात करेंगे, पहला स्प्रे करने के बाद कीटाजिन लगभग 15 डेज के बाद आप दूसरा स्प्रे भी कर सकते हैं आपका सब्जियों का खेती बारी में, कोई दिक्कत नहीं होगा, उसका रिजल्ट लगभग 10 डेज के अंदर मिल जाता है। उसका स्प्रे करने के बाद जैसे आपका सब्जियों का फूल आता है, फूल का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, इसलिए अच्छा काम भी करता है सब्जियों में।